नमस्कार मित्रों जिस घड़ी का इंतज़ार था आखिर में वो घड़ी आ ही गई कि यूपी ट्रेसी ने लेखपाल का रिजल्ट आउट कर ही दिए काफ़ी दिन से सब आस लगाए रहे कि अब आए अब आए रिजल्ट हालांकि ये तो पुराना रवैया रवैया है कि इस विभाग का खेल ऐसे ही चलता है आप रही बात सबसे बड़ा मजाक जो है कटाप को लेकर है कि डीबी की कटाप की खेल क्या है आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि पद कितने आठ हजार पचासी पर और जब लेखपाल का मीन्स का फार्म भराया गया तो उस समय कैंडिडेट कितने बुलाए जाते हैं दो लाख सैतालीस हजार छः सौ सतहत्तर जो कि लगभग तीस गुना और परिणाम जब लेखपाल का जारी होता है जिसमें कि एस के द्वारा संदिग्धों की बात की जा रही है बड़े पैमाने पर धांधली की भी बात की जा रही है हाल इन सब को दरकिनार करते हुए देखा जाए कोर्ट कोर्ट भी इसमें खेल खेला गया और डीबी के लिए सत्ताईस हजार चार सौ पचपन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया आज इन परिवारों में बहुत बड़ी खुशी की लहर तो चल रही है लेकिन आने वाला जो कल होगा कितने परिवार गम में जाएंगे और कितने में खुशी होगी आयु को जरा सा सोचना चाहिए था फिर हाल कोई बात नहीं हम लोग थोड़ा सा कटाप इनकी देखते हैं और फाइनल कटाप क्या हो सकती है हालांकि अब तक बहुत बहुत लोग चिल्ला रहे थे कि एट्टी फाइव प्लस 90 प्लस ऐसा कुछ नहीं हुआ आयोग ने बहुत हल्के में निकाला हालांकि उसकी अपनी सूझबूझ है जहां हो रहा था कि डेढ़ गुना पंद्रह गुना सबको दरकिनार करते हुए वो पूरे पद का लगभग तीन दशमलव तीन नौ गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया डीबी की कटाप में देखिए अनरिजर्व जो हैं उनका सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव ओ बी सी कैंडिडेट के लिए भी सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव सी सेवेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव टी सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो और इनके टोटल पद अगर देखे जाए जो वैकेंसीज हैं इनके लिए वो पाँच हजार छः सौ छत्तीस हैं ठीक है थीके? अब वहीं जरा पद को हम लोग पहले समझ लें थोड़ा सा समझा जा जाए जा आखिर में है क्या खेल पीडब्ल्यू डी दिव्यांगजन भाइयों के लिए आयोग ने ऐसा माना कि जीरो से नीचे ना हो माने जीरो के ऊपर हो इस पॉजिटिव अंक पाने वाले धनात्मक अंक पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुला लिया है क्या इतने कम दिव्यांगजन हैं जबकि पद इन इनकी कितना है तीन सौ नौ है क्या तीन सौ नौ अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे ये तो बहुत हास्यास्पद बात है ये चलिए चार सौ मिल रहे थे 500 सौ मिल रहे थे तो चलेगा लेकिन आंकड़ा जहां तक है कि वो चार हजार पार है या छह हजार के समथिंग है फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो इनकी पद संख्या सोलह सौ चार है और एक्स मैन एक, एक सर्विस मैन के लिए जो है सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो भूतपूर्व सैनिक का जो है सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव जीरो दोनों के पद तीन सौ सत्तासी एक सौ उनचास हैं तो पदों का ये तो पद के अनुसार जरा सा देखे जाए आयोग कहीं ना कहीं जो लोग चिल्ला रहे हैं कि आयोग ने बहुत ज्यादा बुला लिया है अरे भाई आप ध्यान दीजिए एनटीपीसी e का फाइनल हो चुका है रिजल्ट ज्वाइनिंग लोग कर लिए हैं क्या वो इसमें नहीं थे थे दरोगा का फाइनल हुआ क्या वो इसमें नहीं थे एसआई वाले थे अरे रेलवे का उधर ग्रुप डी का तो आप धैर्य बना के रखिए घबराइए नहीं क्योंकि यदि घबरा गए तो यूट्यूबरों का काम है कि अपना अपना भाई खेल खेलना मैं भी आपको एक स्वांत्वना तो दे रहा हूं घबराइए नहीं और अभी आपको एक निश्चित आंकड़ा लगभग आंकड़ा बताएंगे अगर वहां तक आप पहुंचते हैं तो ठीक है नहीं तो आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए बहुत से है चूंकि आशा ही जीवन है आशा इसे लगाए रखिए ठीक और आयोग क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा आयोग कोई अपनी अच्छी सूझबूझ है चूंकि आयोग की ही बात है कि जो डीबी कराने जाएंगे जो संदिग्ध थे तो ऐसे नहीं उन भाइयों से तो बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप सावधान हो के जाइए भाई एक बार फंसोगे तो आप पाँच साल के लिए डीबार हो जाओगे एज भी आपकी क्लास हो जाएगी क्या मतलब होगा इसलिए आप डी बी स्किप कर दीजिए और उन भाइयों से भी निवेदन है जो सेलेक्ट हो चुके हैं कहीं कहीं न कहीं तो अपने नए भाइयों को मौका दें वो भी डी बी स्किप करें इस ढंग से अगर देखा जाए तो डीबी स्किप संख्या सत्ताईस हजार जो चार सौ पचपन है मैं इसमें से सात हजार तो सीधे निकाल दे रहा हूँ कि सात हजार तो स्किप होंगे उसके अलावा बीस हजार में बात करने की जो। अब बीस हजार के हिसाब से आप देख लीजिए कुछ उसमें भी प्रॉब्लम आएगी जैसे दिव्यांगजन वाले में भी कुछ मामला होगा आयोग कभी नहीं गलत आयोग डेढ़ गुना ही जो कह रहा तो वही है पद के सापेक्ष लगभग समथिंग वही बुलाया है तो सभी लोग इस बात से निश्चिंत रहे कि आयोग ने कहीं कोई गड़बड़ी की है आयोग भी अपनी निगाह लगाए हुए है जैसे कि कुछ अफवाहें चल रही हैं कि अरे वो तो संदिग्ध थी पकड़ी गई उसका भी उसको भी डीबी में बुला लिया गया अरे भाई वो डीबी कराने पहुंचे तो एफ आई दर्ज तो हो दर्ज हो तो वहां तक आयोग तक पहुंचानी चाहिए आखिर में आयोग एफ करेगा तो ये सारी बातें हैं फिर हाल जिन भाइयों का डीबी के लिए सिलेक्शन हुआ है वो अपने डीबी के कागजात मेंटेन करें और डीबी में उसके एडमिट कार्ड का इंतज़ार करें एडमिट कार्ड आ जाए अपने कागज वो जो लगभग पंद्रह सोलह पन्ने का फार्म होता है उसको भर के लेके जाएं जो जो मांगा जाए हालांकि उसके लिए एक वीडियो डाल देंगे कि क्या क्या आपको की जरूरत पड़ती है लेकिन आंकड़ा यदि समझा जाए तो आंकड़ा यही है कि एक अगर अनरिजर्व पॉइंट सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव है तो इनको सेवेंटी सेवन के ऊपर जितने कैंडिडेट हैं वो अपने आप को प्लस मान के चले वो खुशी मनाए लेकिन सेवेंटी सेवन के नीचे वाले भाइयों से तो भाई यह है कि आप अपने नेक्स्ट एग्जाम को भी देखते रहिए मैं संभावित कटाप दे रहा हूं मेरी अपनी कोई वो नहीं है क्योंकि पिछले रिकॉर्ड देखने पर जो मिला है वो ऐसे कर रहे हैं सेवनटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव ओबीसी का है ओबीसी बी चूंकि उछल कूद भी थोड़ा सा हो जाती है तो भाई उसके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो जनरल में भी जा सकता है तो सेवेंटी सिक्स उसका ले लीजिए ई डब्ल्यू एस में तो सबसे बड़ी मारामारी रहेगी वो तो अपने आप को जान लीजिए कि अगर अनरिजर्व में सेवेंटी सेवन है तो एक अंक ऊपर चले आज के लोग चालाक हो गए हैं कौन नहीं ई डब्ल्यू एस बनवा लिया है ठीक तो इसलिए ई डब्ल्यू एस वाले सेवेंटी एट एससी इनमें भी संख्या कम नहीं सेवेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव है तो ये सेवेंटी फोर अपना मान के चले यस टी वही सेवन सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो है तो ये सिक्सटी सेवन और दिव्यांग के लिए भले सबको कॉल कर ली गई है लेकिन जहां तक सेफ आंकड़ा है वो फिफ्टी मार्क्स प्लस मानी फिफ्टी प्लस इसके नीचे इतनी कम संख्या नहीं होनी चाहिए ठीक इसी प्रकार फीमेल के लिए भी फीमेल सेवेंटी सिक्स लगभग हो जाएगा इसमें कुछ स्किप भी करेंगे लोग और जो एक्स सर्विस मैन है उनका सेवनटी सेवन सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन ठीक है और स्वतंत्रता तो संग्राम सेनानियों के लिए जो है वो सेवेंटी फाइव बहुत रहेगी इतना इनका ठीक है तो अभी तक तो आप जुलाई 31 जुलाई को एग्ज़ाम देकर इंतजार किए इतना अरे भाई दो तीन महीने का अंतर साल का छः सात आठ महीने का हो गया इतने दिन बाद आप जो है अगर रिजल्ट पाए हैं तो डी के लिए भी आपको हो सकता है कि मई में चालू कर दें क्योंकि ये सब चुनावी प्रक्रिया पर डिपेंड करता है इतना मान के चलिए आचार संहिता लगने से पहले पहले आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा और आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं हो सकता है सरकार को भाई अपने भाषण देने हैं कि मैंने इतने पद कर दिए इतने पद कर दिए आखिर उसको गिनाना है तो उसके लिए दीपावली में भी आपको तोहफा दे सकती है ठीक अब एक बात और सामने उभर कर आ रहा है कि आयोग का सबसे बड़ा मजाक आयोग का सबसे बड़ा मजाक ये है कि दिव्यांग जन।, जन में कैटेगरी कोई बांटा ही नहीं बाईस कैटेगरी होती है ठीक है और पद कितने 309 बुलाई बुलाए कितने जीरो प्लस मैंने जीरो के ऊपर सभी को तो अब इसको चाहे आयोग का मजाक करिए चाहे भाई आयोग की सोझ बोझ जो बैठा है उस पद पर तो वो इतना बड़ा मजाक भी नहीं करेगा निश्चित है कि कुछ मामला है ठीक आप सभी भाइयों से बस मैं यही एक खुशी जाहिर करता हूं कि आपको जो ये संभावित कटाप है अगर इस पर हैं तो आप अपने आप को सेफ में मान चलिए नहीं तो डीबी करा लीजिए डीबी में मौका मिला है कहा गया है कि आशा ही जीवन है तो डीबी को स्किप मत करिए आप डर कर डीबी में मौका मिला है डीबी कराइए लेकिन संभावित कटाव जो है इसके नीचे तो अपनी पढ़ाई भी मत बेकार करिए हो जाएगा तो ज्वाइन करिएगा नहीं होता तो कोई बात नहीं आपकी नेक्स्ट तैयारी है ठीक है तो ये रही यूपी ट्रिपल एस सी विभाग की जो नई रणनीति है उसकी जानकारी ठीक है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डीबी में क्या क्या लगेगा डीबी कैसे कराई जाती है कैसे होता है उसका एक से वीडियो आपको देंगे तब तक के लिए धन्यवाद आप खुशहाल रहें खुशी मनाइए और आसान्वित रहिए आशा ही जीवन है धन्यवाद भाई